Good morning, students. I hope you will remember the last time what was the topic was running. So before starting, let me recall everything, students. So this is our question number 4 that was already taught. Question number 5 that already was taught. So in this A or B, these two questions were finished. Now I am going to do the rest of questions. Okay. To start karte hain question number C. So here, students, what is written? 15 into in bracket 25 into माइनस 4 इंटू माइनस 10. तो स्टूडेंट्स, हमें इसको क्या करना है, सिंपल बनाना है, जितना सिंपल ये हो सकता है. इन चारों का मल्टीप्लाई करना है, वो भी सिंपल तरीके से. तो स्टूडेंट देखो, 25 फोर जा क्या होगा, 100 हो जाएगा. 25 फोर जा क्या हो जाएगा, 100. 100 का 10 में करेंगे तो 1000 इंटू 15, 1500. ये एक सिंपल तरीका है. तो वी विल यूज दिस टेक्निक. सी, आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन एज इट इज. I will do the multiply with these two terms, so you will get 100 minus minus will be plus and it will be minus 10. Now if you do the multiply these two terms, you will get minus 1000. If you multiply these two terms, you will get minus 15000. So answer will be minus 15000. Now in next question, minus 41 into 102. स्टूडेंट देखो ध्यान से, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 एंड देन आफ्टर वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, लुक एट हियर, माइनस 41 इंटू 102, क्वेश्चन एज इट इज है. नाउ 102 दैट कैन बी रिटर्न 100 प्लस 2, तो 14 का फिर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट टाइम 14 और 41 और 2 का करेंगे. तो आई हैव डन दिस टू मल्टीप्लाई इच अदर. 41 इंटू 100 क्या होगा, 4100 और 41 ये प्लस आपका यहाँ फ्रंट में आएगा, माइनस 41 यहाँ पे और ये 2. तो 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8 एंड दिस माइनस विल कम अगेन हियर एंड दिस माइनस विल कम अगेन हियर. इफ़ यू टू मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स, यू विल गेट 4100. ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का एडिशन हो जाता है, लेकिन साइन माइनस की ही आती है. तो दिस टू टर्म इफ़ यू एड, देन यू विल गेट 4182. नाउ वी विल डू ई. ई में क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे हम लोग. 625 मल्टीप्लाई माइनस 35 प्लस माइनस 625 मल्टीप्लाई 65. नाउ लुक एट हियर, दोनों ही टर्म में हमारे पास 625 टू टाइम्स है, तो आई विल टेक आउटसाइड. और आपको याद होगा वो थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो पहले तो आपको क्वेश्चन एज इट लिख लेना है. आई हैव डन द अंडरलाइन, जो चीज़ हम कॉमन लेने वाले हैं उसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है. 625 यहाँ भी है, 625 यहाँ भी है, तो आप इन दोनों को बाहर निकाल दोगे. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस 35 बचेगा और यहाँ पे माइनस 65 बचेगा. ये माइनस इसके साथ शिफ्ट हो जाता है, तो माइनस 65, तो ये 625 को बाहर निकाला. इट मीन्स यू विल टेक आउटसाइड. तो रिमेनिंग क्या होगा, माइनस 35 एंड माइनस 65. दोनों की साइन अगर सेम होती है तो एडिशन होता है, एडिशन हो जाएगा 100 साइन माइनस का. Now you do the multiply these terms, so you will get 62500. लेकिन माइनस यहाँ पे है, तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. Now next question, 7 into 50 minus 2. तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. ये माइनस हमेशा बीच में आएगा, सेंटर में. तो 750 का मल्टीप्लाई होगा एक टर्म के में, और दूसरी बार 7 और 2 का होगा, ये माइनस सेंटर में आ जाएगा. लुक एट हियर, 750 यहाँ लिखा और 72 को यहाँ लिखा. 72 ज़ा 14, 75 ज़ा 35, 350 माइनस 14, 336. जी एंड एच, दिस टू क्वेश्चंस आर गिवन इन होमवर्क. ओके, अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को. क्या लिखा, अ सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट अ रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस. क्या कह रहा है कि हमने एसी को सेट कर दिया है और रूम का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है. हर एक घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर हमारे एसी का कम हो जाता है, तो वो कम करते करते किस टेम्परेचर पे एसी रहेगा 10 घंटे के बाद. तो लुक एट हियर, द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. द टेम्परेचर बी लोअर्ड इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में जो टेम्परेचर कम होगा वो क्या होगा, 40 माइनस 5 35 आएगा. दूसरे घंटे में फिर से 5 कम होगा,
30 डिग्री सेल्सियस आएगा, थर्ड डिग्री में भी माइनस फाइव कम होगा 25 हो जाएगा, फिर माइनस फाइव कम होगा 20 हो जाएगा, ऐसे करते करते हम लोग कितनी बार करेंगे 10 आवर में आप देख सकते हैं यहाँ माइनस फाइव आया, फिर से माइनस फाइव कम किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस साइन तो माइनस की रहेगी लेकिन दोनों का एडिशन हो जाता है, तो फाइव फाइव कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर विल बी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ 10 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड माइनस 2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0-4 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो क्या हुआ, 10 क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, उसमें 5 मार्क्स हमारे पास सही के लिए हैं और माइनस 2 मार्क्स रॉन्ग के लिए हुए, तो क्या हमारे पास उसका मार्क्स होंगे। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज द स्कोर। देखो जो करेक्ट है उसके लिए तो 5 मार्क्स है और इनकरेक्टली क्या है माइनस 2 है, तो देखो फॉर करेक्ट आंसर 5 मार्क्स, फॉर इनकरेक्ट माइनस 2, फॉर नॉट अटेम्प्टेड 0, तो टोटल स्कोर क्या होगा, 4 इंटू करेक्ट आंसर प्लस 6 इज टू इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट वाले का माइनस 2 है और करेक्ट वाले क्या है 5, 4 5 ज़ा 20, 6 2 ज़ा 12, माइनस 12 आंसर क्या आएगा 8 मार्क्स आंसर आएंगे। ठीक है, नाउ वी विल डू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, पूरा ऊपर के जैसा ही करेंगे, टोटल स्कोर लिख देंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर लिखेंगे, प्लस हम लिखेंगे फिर 5 और इनकरेक्ट, और 5 इनकरेक्ट, 5 लिख दिया और क्या लिख दिया इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स, तो करेक्ट आंसर का मार्क्स हमारे पास 5 और ये वाला 5 ये रहा, इनकरेक्ट का है माइनस 2, तो 5 टू ज़ा माइनस 10, 5 फाइव ज़ा 25, 25 माइनस 10 करोगे यू विल गेट 15 मार्क्स, मतलब रेशमा ने को जो मार्क्स मिले वो क्या होंगे 15 मार्क्स होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अब समझते हैं थर्ड क्वेश्चन, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर। तो 2 करेक्ट आंसर है प्लस 5 इनकरेक्ट आंसर है, तो 2 करेक्ट, करेक्ट का क्या था 5 मार्क्स था, 5 इनकरेक्ट है तो 5 लिखो, इनकरेक्ट के मार्क्स कितने थे माइनस 2, 5 टू से क्या होगा माइनस 10, 2 5 से क्या होगा 10, 10 माइनस 10 आंसर क्या आएगा 0, मतलब हिना के मार्क्स कितने आए 0 आए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग, एक बैग पे 8 रुपया उसको मिलता है वाइट सीमेंट वाले पे और उसे लॉस होता है 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, अगर ग्रे सीमेंट बिकती है तो 5 रुपये का घाटा होता है, वहीं वाइट सीमेंट बिकती है तो 8 रुपये का फ़ायदा होता है, तो ऑन सेलिंग वाइट सीमेंट रुपीज 8 प्रॉफिट, ऑन सेलिंग ग्रे रुपीज 5 लॉस। क्वेश्चन पहला देखेंगे, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ द वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ द ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज द इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो 3000 बैग्स हमें किसके दे वाइट सीमेंट के, तो 3000 इंटू क्या कर देंगे 8 करेंगे, तो देखेंगे 24000 उसको किस पे प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट होगा वाइट सीमेंट पे। अब हम देखेंगे दूसरा ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, चलो तो अमाउंट 5000 इंटू ग्रे सीमेंट, अब हम बात कर रहे हैं ग्रे सीमेंट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ग्रे का 5 था, 5000 उसके बैग्स थे तो 25000 लॉस हो रहा है, तो कौन सी अमाउंट ज़्यादा है, लॉस जो है वो 25000 है और प्रॉफिट कितना था 24000, तो लॉस इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट, तो फाइनली इसको जो ओवरऑल हो रहा है वो लॉस हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि 25000 का लॉस हो रहा था, प्रॉफिट उसको सिर्फ 24000 हो रहा था, तो कितने का डिफरेंस है 1000 रुपीज़ का ज़्यादा उसको लॉस हो रहा है कंपेयर टू प्रॉफिट। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, इसी का बी क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। अगर इतने सारे बैग अगर बेचे जा रहे हैं और वाइट सीमेंट बेचने पर, तो पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसका हमारे पास कितना लॉस आएगा और जितना लॉस होगा उतना ही क्या होगा प्रॉफिट होगा, तभी तो उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो टू हैव नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस वी हैव टू मेक अमाउंट इक्वल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट का ये अमाउंट है और ये लॉस का अमाउंट है, प्रॉफिट किस पे हो रहा था तो वाइट सीमेंट पे हो रहा था, तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट और इनटू प्रॉफिट अमाउंट, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट इनटू लॉस अमाउंट, तो
तो यहाँ पे हमारे पास ग्रे सीमेंट की जो बोरी है वो है 6400 और 5 रुपया लॉस था। यहाँ पे नंबर ऑफ वाइट सीमेंट पता नहीं है कि कितने होने चाहिए, लेकिन 8 रुपीज़ का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था हर एक पे। तो इससे इसको अमाउंट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 4000। मतलब नंबर ऑफ वाइट सीमेंट, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट वो हमारे पास कितने थे, 4000 जितने थे, ठीक है। तब जाके हमारे पास प्रॉफिट नहीं होता है और ना ही हमें लॉस होता है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखें, तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स आर 4000, जो वाइट सीमेंट के बैग्स हैं वो कितने होंगे, 4000 होंगे। रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, ए इक्वल टू दिया है -3 मल्टीप्लाई ब्लैंक 27, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 आएगा। तो सिंपल सी बात है, 9 से करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस, तो माइनस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि प्लस हो, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -9 कर दूंगा, तो 9 + 27 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखें आंसर -35 दिया है और यहाँ 5 दिया है, यहाँ फिलिंदा ब्लैंक था, तो 5 × 7 = 35 और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके वहाँ पे आएगा। यहाँ देखें -8 ब्लैंक इक्वल टू 56 दिया था, तो 8 × 7 होता है 56, 8 × 7 क्या होता है 56, और ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ 132 है और यहाँ पे कितना है, -12, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 132 आएगा, तो 11 से करेंगे, 132 आएगा। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड वेल। आज हम यहीं पे लेक्चर खत्म करेंगे, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू।